फिलहाल मैं कर रही हूँ इस पर भी ड्राइंग, बट या तो पकड़ लूँ या कर लूँ, एक ही काम हो सकता है। बना लूँ उसके बाद मैं आपको पूरा क्लीन दिखा दूंगी, ठीक है? पता नहीं ये, अब मैं इसमें डार्क कलर यूज करूंगी, बोले तो ब्लू। तुझे पापी के पास खड़ो जा, नहीं। जा तू गिर जाएगा, तो छोड़। नहीं ले ला पापा के पास, देख वो बेबी खड़ा है। पापा से वही पिटाई करेंगे। सॉरी बोल, सॉरी बोल, अम्मा नहीं है अम्मा। मैं
गाइस कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे। आप सबको मेरा नमस्ते, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं हूँ रिंकी यूपी ब्लॉग आगरा से, और मैं कल रात से सीधे मंदिर में थी तभी ऑनलाइन, उसके बाद मैं अब ऑनलाइन हो रही हूँ। और अभी शाम के 5 मिलने वाले हैं, 5 मिनट बाकी है। पूरे दिन भर ऑनलाइन नहीं रही क्योंकि बिजी रही, थोड़ी सी अच्छे से साफ़ सफाई की है और सारे कपड़े जितने भी थे सब धुलने के लिए डाल दिए हैं। बस वो धुल चुके हैं, अब मैं उन्हें खंगालने जा रही हूँ। 5 मिलने वाले हैं, सो मुझे यही अपडेट देना था। और आगे मैं इस ब्लॉग में बने रहिएगा, और फिलहाल मैं वहाँ से आके मतलब कपड़े वॉश करके फिर मैं नहाऊँगी, सीधे हम जाएंगे फिर मंदिर, सीधे जाएंगे मंदिर, दूसरे मंदिर। सो फिलहाल इसने तो अपना ऐसा कर रखा है, अपने आप दूध ले लेता है, अपने आप पी लेता है बेचारा। मैं बिजी होती हूँ तो सीधे आके लेट जाएगा और अपने आप ही अपनी निप्पल ले लेता है फ्रीज में से। इसकी निप्पल मैं भर के रख देती हूँ, जस्ट मुझे पता है कि आने वाला है तो मैं भर के रख देती हूँ। और इसने अपने आप ही मुझसे कुछ नहीं कहेगा, सीधे निप्पल निकाली, अपना कम्बल लिया, साथ में मेरा भी कम्बल लिया, इसको दो कम्बल लगते हैं, बहुत नालायक है। एक सर के नीचे लगाएगा और एक को अपने, गर्मी में ये ओढ़ के सोता है, इसे आता था कम्बल से चिपकने की। और ये इसी के लिए लाए थे, जब ये करीबन होगा 6-7 महीने का होगा तो मैं सोमवार बाज़ार गई थी तो ये कम्बल मुझे बहुत पसंद आया था। इसमें मतलब कुछ वो कार्टून टाइप भी है और चाइना टाइप है, मतलब ये तो मैंने कि अच्छा है, ये ब्लू कलर है, स्काई ब्लू वाइट, लड़के के मतलब का ये कम्बल ले लो लल्ला के लिए, तो ये ली थी। और एक वो मेहरूम और जो ब्लैक कलर की सी बेडशीट है वो ली थी, तब ली थी। तो ये इसको खुद लगाए रखता है, इसको पता नहीं है मेरी है, पर ये कहीं ना कहीं इसको पहले ही डरता है ये मेरी है तो लेके खुद सोता है। सो बच्चे होशियार होते हैं बहुत ज़्यादा, और इसको कहीं जाना होता है तो नहीं पूछता, अपने आप अपना निकालता है कपड़ा और सीधे नीचे जाता है, चलो पापा पहना दो। बहुत तेज हो गया है, हाँ नहीं तो बच्चे हैं फास्ट होते जा रहे हैं, खैर अच्छी बात है, पर एक निकालेगा 10 गिराएगा, ये हाल है। सो फिलहाल अब बस 5 बजने ही वाले हैं, ठीक है। और आज तारीख है 12 अगस्त है और शाम के हो गए हैं 5, 2 मिनट बाकी हैं। सो मैं जा रही हूँ जस्ट नीचे, बहुत थक गई आज काम करते करते, थोड़ा सा ज़्यादा काम किया है तो इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं हुई। और कल हम बहुत थक भी गए थे मंदिर से, हम 11 बजे आए थे और वहाँ पे हमने मतलब इस बार घड़ा बनाया था, मतलब मंगवाया था वो, मतलब डेकोरेट किया था तो ठंडाई बनाई थी इस बार बाप बाबा के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, वो घड़ा डेकोरेट किया था पूरा, मैंने वीडियो क्लिप ली थी थोड़ी सी पर फिर जल्दबाजी में मैंने पूरा इसका वीडियो नहीं बनाया, तो मैं आपको दिखा देती हूँ फिलहाल ऑफिस में बैक कैमरा करके। देख लो आप, 5 होने को आए, जस्ट एक मिनट रह गया है अब, ठीक है। और यहाँ पर ये रहा वो घड़ा, तो इसको मतलब बहुत ही ज़्यादा डेकोरेट किया था, मैंने साफ़ कर दिया था ये कल ही बस। और ये भी थी और ये भी काफ़ी चीज़ मतलब अभी, तो अभी तो फिलहाल मैं नीचे जा रही हूँ। और ये जो पेड़ लेकर आए हैं, ये बेल पत्थर का, शायद हमारे सोमवार के जो व्रत है वो पूरे हो जाए उसके बाद पता नहीं कहीं इसको लगाया मतलब बाहर लगा देंगे, बस ये सोमवार तक टिक जाएगा। टिकता है तो अच्छी बात है, टिका रहे, नहीं टिकता झड़ेगा ये कुछ, तो इसको बाहर लगा देंगे कहीं और, ठीक है। सो चलिए, बेल पत्थर का पेड़ है, पूजा के लिए चाहिए था इसलिए बार बार पे लेने पड़ता था, तो पौधा ले आइए, सही है। सो चलिए नीचे कपड़े धुल रहे हैं, मम्मी टीवी देख रही हैं, देखो आवाज़ आ रही है ना वॉशिंग मशीन की। तो चलिए मैं जा रही हूँ नीचे, बाद में मिलती हूँ। सॉरी जी, मैंने यहाँ पर वॉइस एडिट दी है क्योंकि भजन हो रहे हैं इसलिए। और हेलो गाइस, आपको पता ही होगा मैंने म्यूट क्यों किया है, क्योंकि म्यूज़िक था और भजन थे इसलिए मैंने वॉल्यूम ही हटा दिया और फास्ट रिवर्स लगा दिया है। सो इसमें सुंदरकांड का पार्ट और हनुमान चालीसा और खाटू श्याम बाबा की भी मतलब भजन है, मुझे अच्छा लगा, मैं बैठी भी थी, बहुत अच्छा लगा। सो चलिए अब चलते हैं दूसरे मंदिर। सो मैं जल्दी जल्दी यहाँ से रिवर्स करती हूँ, और आज तबीयत सही नहीं थी, कुछ डाउन थी इसलिए। I'm
वो हम सब अभी मंदिर से पहुंचे हैं, 11:15 बज रहे हैं। आप लोग यूँ बोल रहे होगे कि ये तो भैया बार बार पे मंदिर जाते हैं। हाँ, सावन का महीना है, जब भी मौका मिले तभी हो आना चाहिए, और हमें अभी मौका मिल रहा है तो हम चले जाते हैं, सारा काम काज करके शाम को टाइम चले जाते हैं। ठीक है, मैं कभी कभी जाती हूँ, पर मैं जाती हूँ पर ये रेगुलर ही जाते हैं। ठीक है, और आज हालत थोड़ी सी डाउन हो गई तो मैं ब्लॉग ज़्यादा नहीं बना पाई, डाउन हो गई मेरी। और मोस्ट मंदिर में जाने से पहले ही, वो हम पहले मंदिर गए थे और वहाँ से ही मतलब थोड़ी सी डाउन हो गई, फिर उसके बाद थोड़ी डाउन रही है, मतलब एनर्जी लो रही है बहुत। तो बैठ बैठ के मतलब आराम से फिर अभी आए हैं घर पे। और एक और चीज़ मैं बोल रही थी, मैं ऐसे करके बताती हूँ। हेलो जी, हम 11:15 मतलब मंदिर से आए हैं अभी। जस्ट आप लोग बोलते होंगे कि बार बार मंदिर चले जाते हैं। हाँ भैया, हम चले जाते हैं क्योंकि कहते हैं कि मतलब मैं जस्ट अभी अभी पहुंची हूँ तो कहते हैं सावन का महीना है, जब भी आपको मौका मिले मंदिर जाना चाहिए। और सावन का मौका तो पावन होता है, और इसमें तो जितना चाहे आप मंदिर जाओ, जितना चाहे आप पुण्य धर्म करो, जो चाहे करो। इसलिए ये तो रेगुलर ही जाते हैं, मेरा कभी कभार जाना होता है, पर अब सडनली लगातार मतलब जाना हो रहा है तो मैं अब जा रही हूँ। अच्छी बात है, जितना अपने आप से टाइम निकल जाए निकल जाए। पर आज मेरी हालत डाउन रही, सो पता नहीं एनर्जी, तबीयत थोड़ी सी हिली हुई है, पता नहीं डाउन हो गई आज मेरी एनर्जी मंदिर में, तो मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, बैठी रही थी। ठीक है, और अपना प्रसाद वरसाद लिया, वो खा लिए नीचे। ठीक है, और आज प्रसाद में मैं ना परसों वाले दिन नहीं, कल के दिन शायद, हाँ कल के दिन मतलब दोपहर में मैं ये चूड़ी, कल के दिन फिर दुख गई है सच्ची में, बहुत रेस्ट। मैंने सोचा मैं अभी बता दूँ क्योंकि सवेरे अपडेट का मतलब वीडियो डालने का टाइम होगा, पर शायद मेरा वीडियो बहुत छोटा आएगा ये, क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी हालत थोड़ी सी डाउन है, इसलिए मेरा ब्लॉग छोटा बना है, सो मैं छोटा ही डाल दूँगी। और हाँ, मैं जब कल के दिन मैं दोपहर में गई थी सामान लेने के लिए, तब मैं अपने लिए हरी चूड़ियाँ लेकर आई, बहुत मन में थी। मम्मी के भी लिए लेकर आई, उनकी मल्टी कलर की थी, उन्हें पसंद नहीं आई तो वो चेंज कर आऊँगी, उनके लिए भी प्लान लेकर आऊँगी, उन्हें येलो कलर बहुत अच्छा लगता है तो उनके लिए येलो कलर में चूड़ियाँ लेकर आऊँगी। कल संडे है सो देखिए क्या एक्टिविटी रहती है, कल संडे वाले दिन तो हम सब सोना ज़्यादा पसंद करते हैं, देर तक उठते हैं, आपको सही बता दूँगा। संडे वाले दिन हम खूब सोते हैं, उसके बाद में उठते हैं जब भूख लगती है। तो फिलहाल ये तो खैर जल्दी उठ जाएंगे संडे को, क्योंकि इनका रूटीन है अभी तो फिलहाल, सो इसलिए। और मेरा रहा तो मैं तो देर तक सोऊंगी क्योंकि कल संडे है और मेरी भी छुट्टी है मेरे बेबी के साथ, वरना स्कूल में उसको छोड़ के जाना, नींद आती है बहुत जोर की। ठीक है, फिर बाद में मतलब जगह रहो तो खुली रहती है, तो अब मुझे बड़ी थकावट हो रही है और तबीयत सही नहीं है। सो फिलहाल मैं, मेरे सर में दर्द भी है तो पहले उसकी गोली लूँगी, सबसे ज़्यादा यही तकलीफ दे रहा है सर में दर्द, और एनर्जी डाउन झेलेंगे पर सर का दर्द नहीं झेला जाता। तो चलिए मैं ये रखती हूँ यहीं पर, कल मिलती हूँ। ठीक है, जब तक भी अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। आप सबको मेरा राम राम, नमस्ते, गुड नाइट। हेलो गाइस, और आज संडे है और दोपहर के डेर हो रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग एडिट कर देती हूँ, और तबीयत सही नहीं है, दवा खाई थी तो रात में, तो मैं मंदिर चली गई थी, मैंने कुछ नहीं दिखाया था ना कपड़े वगैरह, सो कपड़े मैंने फैला दिए थे, मैंने कपड़े दिख रहा खड़े होकर दिखा देती हूँ। सो आप सबको गुड आफ्टरनून। कपड़े तो काफ़ी सारे धुले थे, तो चलिए अपना काम कर लूँ, पहले वीडियो एडिट करके फिर अपना काम करूँगी, क्योंकि आज संडे है, खाना बनाने का लोड नहीं होता। 1:30 बजने वाले हैं, जस्ट 5 मिनट बाकी हैं 1:30 बजने में। फैला हुआ इस कमरे में, तो मैं वो सब उठा दूँ। सो चलिए मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, ये ब्लॉग अच्छा लगे, चलिए मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में। ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना, नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें प्लीज़। और
फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप सबको मेरा नमस्ते, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं हूँ रिंकी जी ब्लॉग। आगे ऐसे अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, राम राम जी, गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून लग गया है। सो चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, बाय। और ये ब्लॉग में अब यहीं खत्म।